बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है बाबा की जात से कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं जी आज के वर्क की तरफ। आज का वर्क है बहुत टफ, बहुत काम होने वाला है आज के दिन, बहुत मेहनत होने वाली है क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। कैसे नाश्ता तो कर दिया जाएगा, थोड़ा सा काम करेंगे। ये है हमारे पास पीला और ये लहसुन जो है इसके अंदर करेंगे, ये जाएगा इसके अंदर। पराठे में लग रही है परत। आज तो मैंने आप लोगों को वैसे भी बता दिया कि दिन है बहुत टफ। जी मेरे स्टाइल में बनाएंगे आप लोग। मैंने सोचा जी चले आज ये वाले परोठे, ये देखिए ये वाले परोठे आप लोगों से हो जाए शेयर। कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखें, कितने खूबसूरत है ना, सो ब्यूटीफुल। अब ये चाहेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। अब ये होगा ऐसे और ये होगा तैयार। इसी तरह मैंने परत बना ली है, इसमें ले ली तो क्या हमारा दूसरा पराठा भी करने के लिए तैयार है। क्या रहा है लगाएं जी, मुझे परत लगाएं, मैं भी तैयार हूँ तवे पे सिकने के लिए। तो मेरा ये पराठा भी तवे पे सिकने के लिए तैयार है। बनाइएगा मेरे स्टाइल में परोठे। अब तो खाना पकाते पकाते इतना आइडिया हो गया है, पास ना पूछे आप लोग। ये देखें कितने बेहतरीन और खूबसूरत लग रहे हैं। जी करता है इसको ऐसे ही पका लूं, लेकिन ये तो बेचारा ऐसे पकेगा नहीं। और जी ये मेरा हो गया है, ये वाला पराठा भी रेडी। ये हमारा एक पराठा हो गया है तैयार, क्रिस्पी टेस्टी। बाकी पराठे भी मैं डन कर लूंगी। तवा हमारा हो रहा है बहुत ज्यादा और गरम, तो
जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक, ठीक है, जाएंगे इसमें जल से फ्लैक्स सीड्स, ठीक है। अब देखिए मैं इसका क्या करूँ, इसका बना दूंगी मैं मुरब्बा, ये देखिए का कीमा, ये हो गया हमारा कीमा तैयार। आ रही है ना ढाबे वाली फीलिंग्स, ढाबे का ऐड। नाश्ता हो गया तैयार, आज मेरे साथ नाश्ता करेगा।
हमें प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करना ना। ये देखेंगे हमारे पास थोड़ी सी सरसों, दस्ताने को पहनने का ये फायदा होगा कि ये चावल जो गर्म है ये गर्म नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसे डालूंगी, मैंने डाली है राई, लहसुन, प्याज और जो है कोई से कड़ी पत्ता, ये है हमारा कड़ी पत्ता। लहसुन प्याज को जो पिंकिश पिंकिश करूंगी, गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी निकली निकली रंगत वाली स्किन हो जाती है ना, इसी तरह मैं अपने प्याज को करूंगी पिंग। आलू के साथ टमाटर जाएंगे, टमाटर फ्राई करेंगे, तीन से चार टमाटर लिए मैंने, अब इसके अंदर इसमें जाएंगे बारीक चॉप हुए बैंगन। मैंने बैंगन को जितना बारीक चॉप कर सकती हूँ उतना बारीक चॉप किया है, क्योंकि मुझे ये बारीक बारीक चॉप चाहिए। अब हम इसको करते हैं बहुत अच्छे से मिक्स। ठीक है, अच्छा इसमें जाएगा चिकन पाउडर, ठीक है।
कम से कम 20 मिनट के लिए दम से लगाऊंगा ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसमें भी और मसाले भी जाएंगे तो वो हम डालेंगे जब जब इसको। ये देखिए हमारा सालन हो गया है तैयार। अब इसमें हमारे थोड़े से मसाले जो बाकी हैं वो जाएंगे। ये जाएगी इमली, हरी मिर्च से भी बारीक कटी हुई, 1/2 टेबल स्पून जाएगा चाट मसाला, काली मिर्च। अब इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे और ये गया चिकन पाउडर। बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। तकरीबन तैयार हो गया है।